마주 볼 것도 있는 게 लेकुम, मेरा नाम सैयद अलीम, विजयवाड़ा से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोऑप्शन नंबर बोल रहा हूँ। आज हैदराबाद में कृष्णा नगर में जो 10 साल का लड़का 10-15 साल का लड़का 10वीं क्लास पढ़ रहा है, वो बच्चा साई कृपा जो स्कूल में पढ़ रहा है, आज माँ बाप ने स्कूल को इसलिए भेजते जाके सही तालीम हासिल करने के लिए भेजते, मगर आज साई कृपा स्कूल वालों ने आज मटर कैसा करना सिखा दिए, मटर कैसा होता सिखा दिए। यही क्या स्कूल में जो होना था, जो नहीं होना था, जो हुआ था, इस बात पे हम बहुत तकलीफ में हैं। क्योंकि कोई भी माँ बाप बच्चों को स्कूल को भेजते, शाम को बच्चा घर को आता, मैयत आने के टाइम पे वो लोग की तकलीफ मालूम होती है। आज इस संकट पे हम इंसाफ चाहते हैं। जो साई कृपा स्कूल है उसको सीज कर जो असल ये लड़ी क्यों आई, कौन मारा गया, कौन लड़ा गया, कौन किसको मारा गया, मारने से क्या हो गया, मंजूर जो बच्चा सैयद मंजूर है, उस बच्चों को इंसाफ, उसके माँ बाप को इंसाफ होना है। आज मैं वज़ीर आला KCR साहब, CM साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, इन बच्चों को, इन फैमिली को इंसाफ दिलाइए आप। मैं असदुद्दीन ओवैसी ओल्ड सिटी के MP साहब ने, उनको भी मैं ये चाहता हूँ, इस बच्चों को, माँ बाप को इस बच्चे का इंसाफ चाहिए। वो स्कूल को सीज करा देते बोल के मैं चाहे दिल से गुजारिश करता हूँ। आज जो भी स्कूल में जो भी हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, असल क्या कर रहे हैं वो लोग, ये आपको इंट्रोगेशन कर आप सही आता बोल के इस संघर्ष से मैं इस संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। बच्चे की उम्र क्या थी? बच्चे की उम्र 15 साल थी, 14 से 15 साल थी, 10वीं क्लास पढ़ रहा था बच्चा, स्कूल को गया था मगर आया नहीं था, मैयत होके आया था। इस तकलीफ में हम यही हमारी तकलीफ गुजर आपके सामने पेश करते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि 2 महीने से कुछ बच्चे के ऊपर कुछ हरासमेंट वगैरह हो रहा था, इस तरीके की कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं थी। बच्चा स्कूल को जा रहा था, अच्छा पढ़ रहा था, आ रहा था, जा रहा था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं थी। अगर कुछ है तो वो आके बोलना था, जिम्मेदारों को बोलना था, कुछ है तो, कुछ भी नहीं थी। बच्चा स्कूल को जा रहा था, स्कूल को कहा गया था कि बच्चे को कुछ दिन पहले सस्पेंड किया गया था, 10 दिन वो सस्पेंड किया था, वो इसलिए थे बच्चे में क्लास में कुछ पढ़ी में कुछ ऊंच ऊंच कराया था, इसलिए था। ये लड़ी को उसको संबंध नहीं है, ये अगर सस्पेंड किया था तो जान निकाल देते, जान निकालने का मतलब ला देते। आप लोग का शक किस पर है कि आप मैनेजमेंट का गलती है, पहले मैनेजमेंट का गलती है, जो भी बच्चे मारा गए हैं उन लोग। जी अस्सलाम वालेकुम, बंदा सैयद अब्दुल रहीम कासमी विजयवाड़ा से है। आज जो है, जैसा कि कल जो मसला स्कूल के अंदर हमारे भतीजा मंजूर के साथ पेश आया, ये बड़ा निहायती अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया है। देखिए, स्कूल के अंदर बच्चों को जो भेजा जाता है वो तालीम हासिल करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन अब जैसा जैसा ताखिर हो रही है, बहुत सारे बातें स्कूल के जानिब से और बच्चों के जानिब से भी सामने आ रही है। जैसा कि स्कूल के अंदर पता चला कि बच्चों के अंदर आपस में 1-2 महीनों से लड़ाई चल रही थी, और इसी तरह दूसरी बात यह है कि स्कूल वाले फ़ीस के सिलसिले में और दूसरे सिलसिले में भी बच्चे से और उनके वालिदैन से फ़ोन करके बार बार टॉर्चर भी कर रहे थे। बहरहाल जो भी मसला है, लेकिन स्कूल के अंदर जो गलती बच्चों से हुई है, ये बच्चों की गलती नहीं है बल्कि स्कूल के ज़िम्मेदारों की गलती है। भाई, बच्चों को हम आपके ज़िम्मेदारी पर जो है स्कूल को भेजा है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जो है बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर नहीं कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या लड़ रहे हैं, ये सारी ज़िम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आपने बच्चों की लापरवाही और बच्चों को गलत तालीम देने के बिना पर आज जो है हमारे बच्चों का जो है आज शहीद होना पड़ा है। ये मैं हुकूमत से, इसी तरह ज़िम्मेदारों से और CM साहब से भी और दरख्वास्त करता हूँ कि बच्चों के लिए, इस बच्चे के लिए जो हमारा भतीजा है, इसके लिए इंसाफ के लिए आप हमारा साथ दें। और जो जैसा कि पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, पुलिस भी इसके अंदर तहकीक में लगी हुई है, तो CC कैमरा के रिकॉर्ड के अंदर सारा वाक्य दर्ज है, लेकिन
सीसी कैमरे का रिपोर्ट ना हमें दिखाया गया ना हमें दिया गया। तो आपसे, हुकूमत से, इसी तरह तेलंगाना के पुलिसों से यही दरख्वास्त है कि हमारे भतीजे के साथ इंसाफ दिया जाए और जो गुनहगार है, जो मुलजिम है, चाहे वो उसूल के ज़िम्मेदार हो, चाहे वो बच्चे ज़िम्मेदार हो, सख्त से सख्त जो है इनके ऊपर कार्रवाई करने का मैं मुतालबा करता हूँ। उम्मीद है कि हमारी दरख्वास्त पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके हमारे पास जो है सही नतीजा आप पहुँचाएँगे। गाड़ी में डाल दे रहा हूँ।